दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर साप्ताहिक स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर शैलेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में चल रहे स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम का संस्थान के संरक्षक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शनिवार को समापन किया जाएगा। गौरतलब है कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा होना था, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के देहांत हो जाने के कारण मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया था। आपको बता दें कि दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना 25 अगस्त 1969 को गोरखपीठ पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ द्वारा की गई थी। तब से अभी तक विद्यालय सुचारू रूप से लाखों छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण कराकर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत के लिए अग्रसर है। वहीं स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी लगाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें लोगों को जल संरक्षण, वायु प्रदूषण के साथ जागो ग्राहक जागो, स्वच्छ भारत मिशन सहित अन्य प्रयासों से स्वच्छ वातावरण का उपदेश दिया गया है। समापन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदर्शनी लगाने वाले और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले छात्र छात्राओं को मंच पर सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए प्राचार्य शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, 25 अगस्त 1969 को महाविद्यालय स्थापित हुआ। 25 अगस्त 2019 को इस महाविद्यालय का 50 वर्ष पूरा हुआ। उसके उपलक्ष्य में हम लोग साप्ताहिक स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं और उस क्रम में 25 तारीख को उद्घाटन हुआ था। उसके बाद 26 तारीख से 30 तारीख तक निरंतर दो सत्रों में हमारी प्रतियोगिताएं चली हैं। एक सत्र में जहां भाषण, निबंध, रंगोली, लोकगीत गायन, आशुभाषण की प्रतियोगिता हुई है, वहीं दूसरी तरफ द्वितीय सत्र में विशिष्ट विषयों पर व्याख्यान हुए हैं, जिसमें अलग अलग विद्वज्जन आए हैं। और उस क्रम में आज जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के वाइस चांसलर प्रोफेसर हरकेश सिंह जी आए हुए हैं और उनका व्याख्यान चल रहा है। कल समापन है 11:30 बजे से, पूज्य महाराज जी उसकी अध्यक्षता करेंगे और यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह जी उसके मुख्य अतिथि होंगे। इस समापन के कार्यक्रम में जहां एक तरफ पौधारोपण वृक्षारोपण का भी एक कार्यक्रम महाराज जी के द्वारा होना है, वहीं दूसरी तरफ महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित प्रथम प्रकाशन की पुस्तक बौद्ध शिक्षा का समसामयिक महत्व, उसके साथ ही महाविद्यालय की दो पत्रिकाएं अरावली और स्मारिका, इन तीनों का विमोचन होना है। साथ ही साथ जो प्रतियोगिताएं हुई हैं उनके विजयी प्रतिभागियों को महाराज जी के द्वारा, माननीय अतिथि जी के द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित भी किया जाना है।